भी उसके फार्मर को आप उस तरह नहीं तो उस तरह अपने फायदे के लिए तो उनको सपोर्ट कर ही सकते हैं, फायदा तो अल्टीमेटली आपका है। और एक और प्रोजेक्ट सिरकोट में चल रहा है क्रिस्टल लाइन सेल्यूलोज का, सुरेश जी कोटक आप कुछ इसके बारे में शेयर करना चाहेंगे? Actually, a lot of work, बहुत काम किया हुआ है सरकोट ने, यहाँ सरकोट वाले यहाँ बैठे हैं। मैं एक प्रश्न ऐसा करना चाहता हूँ कि वॉट सरकोट एप्लाइड रिसर्च जो कर रही है उससे कॉटन का मूल्यवर्धन, कॉटन का मूल्यवर्धन दोनों बाजू, कॉटन में 67% सीड्स और 33% कॉटन ब्रॉडली, तो 67 सीड का जो इकोनॉमिक्स है उसका जो वर्किंग सरकोट ने किया है, और लेकिन लोग उसका एडवांटेज नहीं लेते हैं। अभी दो बरस पहले, तीन बरस पहले प्रशांत जी और विनीत जी आए और इसका एडवांटेज लेना चालू किया, उनको मैं ले गया था, प्रशांत जी के साथ एक बरस में बैठा हूँ, उनको ले गया था और उधर से एडवांटेज देखा। अभी सरकोट ने और से डेवलपमेंट किया है और मिल्स, यहाँ मिल ओनर भी बैठे हैं संजय जी, पीपल मिल्स नहीं देख रही है कि उनके लिए ऑन द हाई वैल्यू एडिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकोट और हमारे साइंटिस्ट क्या काम कर रहे हैं। प्रदेश से आके लोग देखते हैं कि इंडिया में क्या काम हो रहा है, हम हमारा खुद का यहाँ बाटुंगा जाके हम लोग नहीं देखते। मैं सरकोट का एक एक प्रोग्राम में जाता हूँ और अप्लाइड रिसर्च ऑन बोथ द साइड, ऑन द सीड साइज एंड दिस, आपको कितने को मालूम है कि अभी देयर वाज अ फंक्शन, कीर्ति राठौड़ करके एक हमारा साइंटिस्ट बंदा अमेरिका में बैठा है, वो कीर्ति राठौड़ ने गॉसिप को दूर कर दिया है। हम जानते हैं कि कॉटन का सीड का वैल्यू, प्रशांत भाई अपने वो वैल्यू कम क्यों होती है गॉसिपल के हिसाब से, विनीत भाई, लेकिन ये गॉसिपल दूर हो गया है। अमेरिका में लबक में टेक्सास रिसर्च में ये काम हो गया है, तो उससे सोयाबीन का रिप्लेसमेंट हम DOC से कर सकते हैं, एंड DOC ऑफ कॉटन सीड इज 1/5 कॉस्ट में लो है, इतना हमको एडवांटेज मिल सकता है। मेरे हिसाब से ये काम देनू अपने शास्त्र में है, ये काम देनू सीड्स है। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट जो इसने किया है वो दैट इज रिमार्केबल, कॉटन का लिंट से जो सेल्यूलोसिक नानो टेक्नोलॉजी जो बना है, आई रिकमेंड संजय भाई, आई रिकमेंड एवरी वन ऑफ यू, आप देखो कि कॉटन सीड का लिंट में से जो वैल्यू प्रोड्यूस हो रहा है, सीमेंट का, एविएशन का, उसका कम से कम 50 उपयोग, नहीं अभी तो कंप्लीट रिमूवल हो गया है, आपने किया था उससे भी आगे कीर्ति राठौड़ गया है और आपने पहला किया था। देखिए लाइव डिस्कशन हो रहा है, हिज डॉक्टर नाचने फ्रॉम सिरकोट नाचने फिश एंड ऑल दैट, अपना उसमें उसका जो फीड में, अंडरस्टैंड वन थिंग, वन बेल ऑफ कॉटन कैन प्रोड्यूस डायरेक्टली इनडायरेक्टली 5 गवर्नमेंट जॉब्स बढ़ सकती है। मेरे पास स्टेटिस्टिक्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक रिपोर्ट बनाई थी, आई वॉज चेयरमैन ऑफ दैट, और हम लोग ने ये साबित किया हुआ है कि 5 आदमी की रोजगार बढ़ सकती है, इतनी ताकत रूई में है, ये काम देनू है, ये वटवृक्ष है। और ये जो आपको मैंने बोला सेल्यूलोसिक, जो सेल्यूलोसिक नैनो टेक्नोलॉजी, उसके अंदर आप जाके एक एक आदमी को देखने के लिए मैं आपको अर्ज करता हूँ कि हिंदुस्तान के पास समृद्धि कितनी बढ़ सकती है, हिंदुस्तान बहुत आबाद हो सकता है, हमें हमारी आँख खोलना है। एक इन्होंने संस्कृत में शुरुआत किया है तो मैं एक संस्कृत श्लोक बताऊंगा,
आत्मने आत्मनो बंधु आत्मने रिपु आत्मने हो हम हमारा उद्धार हम खुद ही कर सकते हैं. थैंक यू सुरेश भाई. दैट्स ऑल. ही सुरेश भाई नोन एज द कॉटन मैन द भीष्म पितामह ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. आज वो खड़े होके अगर इस प्लेटफॉर्म पे बताते हैं कि ये सोने की खान है हमारे पास और इतने पास में है जो रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम हो रहा है बैंग इन द सेंटर ऑफ मुंबई. माटूंगा तो कहीं से भी जाओ हार्ट ऑफ मुंबई है वहाँ पे ये नैनो क्रिस्टलाइन सेलुलोज पे जो काम हो रहा है बिल्डिंग मटेरियल में जियो टेक्सटाइल में कहाँ कहाँ कॉटन के एप्लीकेशंस नहीं हैं. तो अब इंडस्ट्री के लिए ये एक एक इनविटेशन और एक चैलेंज सुरेश भाई ने डाला है कि क्या आप इस चैलेंज को लेके जो 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 गीमाटेक्स ने ऑलरेडी ले लिया है और जो सिटी सीडीआर दिखा रहा है इसको आगे लेके जा सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट सेशन व्हाट वी मेंट इज संजय जी ने बताया 100 करोड़ रुपीज एक स्पिनिंग मिल टेक्सटाइल मिल डालने को लगते हैं. गोपाल जी ने बताया 5 करोड़ से 7 करोड़ मिनिमम एक जिनिंग फैक्ट्री डालने को लगता है. ह्यूज इन्वेस्टमेंट. तो पैसे तो घर के बैंक के लग रहे हैं लेकिन आर द इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड. क्या उन्हें आप में इंटरेस्ट है आपको आगे ले जाने में क्योंकि पैसों के बिना तो ये इंडस्ट्री चल नहीं सकती. नो वे. तो आई इन्वाइट सुरेश भाई प्लीज़ शेयर ऑन व्यू हाउ टू मेक टेक्सटाइल द डार्लिंग ऑफ इन्वेस्टर्स. यहाँ से आपको ओपन करना है और फिर हम गेस्ट को बुलाएंगे. हमारे बीच इन्वेस्टर्स भी हैं और टेक्सटाइल मिल्स भी हैं बट सुरेश भाई एक होलिस्टिक व्यू के ये जरूरी क्यों है. देखिए देखिए किसी भी चीज के लिए आज की दुनिया ऐसी है कि इंफॉर्मेशन सब जगह अवेलेबल है लेकिन हम इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज नहीं कर क्योंकि इंफॉर्मेशन का बड़ा दोग पड़ रहा है. तो इन्फॉर्मेशन को पकड़ के उसको कैसे फोकस करें जैसे लेज़र बीम को हम फोकस करते हैं ऐसे जब तक हम इन्फॉर्मेशन को फोकस नहीं करेंगे तब तक हम कुछ पा नहीं सकते. हिंदुस्तान की इतनी ताकत है मेरे हिसाब से कि हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जूने में जूनी स्किल अच्छे में अच्छा साइंटिस्ट मैं जो सरकोट में देखता हूँ मेरा अनुभव रिपीट करता हूँ मैं सरकोट के साइंटिस्ट को देखता हूँ और तब मैं अमेरिकन साइंटिस्ट को कंपेयर करता हूँ तो मेरे को लगता है कि इंडिया के साइंटिस्ट बहुत ज़बरदस्त इंटेलिजेंट लोग हैं. और मैं इतना कह सकता हूँ तभी मुझे जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट याद आता है कि दी मॉडर्न इंडिया में द साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस आर टेम्पल्स एंड द साइंटिस्ट आर द हाई प्रीस्ट दे आर द हाई प्रीस्ट. तो हमें ये विचार करना है आज भी जो हमारा डिस्कशन हुआ क्या हुआ कि भाई सीट्स में गुड प्रेजेंटेशन वेरी रिमार्केबल प्रेजेंटेशन उनका एक ही शब्द वॉज वेरी इंपॉर्टेंट आउट ऑफ दैट थिंग वॉज जेनोमिक्स माने टेक्नोलॉजी ऑफ ए काइंड which can give us designed cotton माने हमको जो चाहिए माने उस टाइप का हमको रुई मिल सके. तो designer cotton is a good concept. आपने सबने देखा कि इन्होंने जो ये जैकेट पहनी है आपको मालूम है ये natural cotton से है माने ये color natural है रंगा गया नहीं है. आपको किसी को ये मालूम है ये सरकोट ने उनका इनक्यूबेशन सेंटर में ये प्रमोट किया हुआ है. और ऐसे ऐसे आइडिया हमारे पास साइंटिफिक हिंदुस्तान में पड़े हैं. देर इज़ अ मैगजीन कॉल्ड इन्वेंशन इंटेलिजेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पढ़ती ने प्रोड्यूस करते हैं. इतनी आइडियाज हमारे पास हैं जिसको जुगाड़ टेक्नोलॉजी कहते हैं लेकिन लेट मी टेल यू हमारी एंटरप्रेन्योरशिप अभी भी वीक है. हमारी मिले मैं क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ लेकिन हम लोग एक जूने जमाने में बादशाही जमाने में जब मिलों एक मालिक और जागीरदार कहलाते हैं मैं दिस इज नो क्रिटिसिज्म प्लीज बट वो जागीरदारी अभी भी गई नहीं है. तो आज हमें नए जमाने के साथ कदम मिलाना है. इन्वेस्टमेंट कैन बिकम एब्सोल्युटली फ्रूटफुल. नई चीज़ बेन आपने भी बहुत अच्छा बताया
कि बहुत सी टाइप की खेती हो सकती है, जैविक खेती हो सकती है, बहुत से टाइप के एक्सपेरिमेंट्स टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये गॉसिप पर निकल गया है, और यहाँ किसी ने कहा कि हमारे सीड्स में कॉटन सीड ऑयल के लिए, निशांत ने जो बोला अभी, कॉटन सीड ऑयल का एक आपको बताऊं कि आज आंध्र में सब मिले कमा रही है, क्योंकि उनके पास बैकवर्ड इकोनॉमिक्स है, बैकवर्ड इकोनॉमिक्स में उनको कमा रहे हैं और उनको पैसा मिल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि इसमें इन्वेस्टमेंट, उन लोग ने इन्वेस्टमेंट किया है तो ये इसी हिसाब से हमें पैसा मिल सकता है, गरीबी दूर हो सकती है, और हम सब साथ मिल के काम करें और जरूर बरकत इधर है, किसान, इंडस्ट्री, साइंटिस्ट और हम लोग सब व्यापारी, तो इंडस्ट्री के साथ आ गए, हम लोग साथ मिल के काम करेंगे तो हमारा जय है, हमारा जय है, जय किसान, जय जवान और जय साइंटिस्ट। थैंक यू, थैंक यू सुरेश भाई। द ओपनिंग स्टेटमेंट